दोस्तों नमस्कार। आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं जहां सुमति वहां कुमति भी आती है। तो एक बार सुमति और कुमति दोनों बहन में झगड़ा हो गया। कुमति बोल रही है, सुमति तुमको सब चाहता है, तुमसे सब प्यार करता है, कुमति से कोई नहीं करता है। और यह सही बात है। झगड़ा हो गया दोनों को लेकर। वासुदेव चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाके बोलते हैं कि सुमति को सब प्यार करते हैं तो हमसे तो कोई नहीं करता है। कुमति बोल रही, हमसे तो कोई नहीं करता है, क्या आप भी नहीं करते हैं हमसे प्यार? तो ब्रह्मा जी बोले, नहीं, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। बोले, कैसे? बोले, चल के दिखाओ, पहले दोनों चल के दिखाओ तो फिर हम बताएंगे कि कैसे अच्छे लगते हैं दोनों। तो सुमति दोनों खड़ी थी, सुमति भी गई और आई, कुमति भी गई और आई। ब्रह्मा जी बोले, मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे हो। बोले, कैसे? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सुमति तुम आती हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे, ये कुमति क्या है, ये कई सारे लोगों का कुबुद्धि विचार। खास करके आज मैंने कहीं सुना भी है और गांव में मेरी माँ भी बोलती थी कि बेटा आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है ना, किसी का झोपड़ी है उससे उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके बगल में अगर किसी का महल खड़ा होने लगे तो उससे उसका पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी उसको तकलीफ होना शुरू हो जाता है। और ये खास करके मेरे जीवन में कुछ कहानी हुआ है, इसीलिए मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी के जरिए सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में आदमी बड़ा गरीब थे बेचारे, सोच रहे थे कुछ करे क्या करे, बहुत परेशान थे। भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान कब तक इस गरीबी में झेलोगे, हमें कुछ करो, कृपा करो। तो भगवान की कृपा हुई, लेकिन भगवान का एक शर्त है। भगवान ने बोला, देख तुम्हारा जो एक चीज होगा वो पड़ोसी का दो हो जाएगा। इन्होंने ज्यादा उस समय कुछ सुना नहीं, बोला एक चीज हो जाए तो बढ़िया है, इतने भगवान तो निर्णय हो गए। अब इनका, इन्होंने बोला भगवान एक घर दे दो, एक घर तो हुआ लेकिन इसके पड़ोसी वाले का दो घर हो गया। इससे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, यार मेहनत किया हम, भगवान से माना हम, ये बिना मेहनत का कैसे हो गया? तो ये कहा जाता है ना सुमति और कुमति, कहीं ना कहीं देखिए एक सुमति के विचार से तो आया उसके पास, लेकिन अभी कुमति भी साथ में आ रहा है। तो भगवान जो इनको एक दे, पड़ोसी को दो दे दे। अब इनके पास ये सुमति जब तक था तो तब तक ठीक चल रहा था, लेकिन कुमति साथ आ गई। एक दिन भगवान से बोल रहा है, मेरा एक आंख अंधा कर दे और साथ में मेरे घर के सामने दरवाजे पे एक बहुत गहराई कुआं खोद दे। भगवान, तो किसी ने बोला कि ऐसा क्यों चाहते हो तुम? बोला, हमारा अगर एक आंख अंधा होगा तो पड़ोसी, जो मेरा एक कोई भी चीज होता है, पड़ोसी का तो दो होता है, तो पड़ोसी का दोनों आंख अंधे हो जाए, और मेरा अगर एक कुआं खुदेगा तो पड़ोसी का दो कुआं खुदेगा, कहीं ना कहीं वो दोनों गिरेगा जाके, कहीं ना कहीं किसी में ना किसी में तो गिरना ही गिरना है। दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि सुमति आते हुए अच्छी लगती है, कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग थोड़ा सफल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन वो दूसरों का सफलता देख कर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो कुमति को साथ लेकर चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सकारात्मक सोच हमेशा नहीं रहता है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन की अचीवमेंट पे अप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं, अपने अपलाइन की अचीवमेंट पे खुशी नहीं मनाते हैं। या आपके मदद से अगर आपके हजारों लोगों का भला हो रहा है तो यही तो है दोस्त एक अच्छे कर्म का नतीजा। लेकिन इस जगह पर भी कुछ लोगों का कुमति साथ साथ चलता है। सो दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपके अंदर भी अगर कुछ गलत धारणा है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो हम हर आदमी विन एंड विन सिचुएशन पे होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण कई बार ऐसी होती है कि हमें उस चीज का नॉलेज ना होने के कारण हम किसी चीज को ईर्ष्या के भाव में देखते हैं। जब एक आदमी थोड़ी सी अचीवमेंट कर लेता है और उससे उसके पड़ोसी या उनके अप को उनसे ज्यादा अचीवमेंट हो जाती है, ज्यादा बड़ी लेवल्स हो जाती है, तो उसके अंदर एक ईर्ष्या की भाव पैदा हो जाती है दोस्तों, और ऐसे ईर्ष्या के भाव से वो इंसान का फिर पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने अंदर की जो कुमति है उसको बाहर निकालिए, सिर्फ सुमति को रखिए, जहां रहेगी सुमति वहीं रहेगी संपत्ति। तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आपको ये मैसेज
मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी प्रिय लोगों के साथ शेयर करें, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज़ एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।